आज हम देखेंगे कि हम फोटोशॉप से जो मुंह पे दाग धब्बे वगैरह होते हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनको कैसे हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मीजे को ओपन करें, थोड़ा जूम करता हूँ, ऑन किया, ऑन करने के बाद देखें आप काफ़ी यहाँ पे जो है वो आपको नजर आएंगे। तो आपने यहाँ फीलिंग ब्रश या इसको बड़ा करता हूँ और ये जस्ट पे क्लिक करना है तो वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। ये हो रहे हैं, ये बहुत ही ईजी मेथड है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ से ही वो था इसको ख़त्म करने का। अभी मैं इसको सर अटैक करता हूँ, और इसे मेरे बैग होते हैं टाइम लग रहा है, मैं इधर एक न्यू ओपनिंग कर लेता हूँ। इसको क्लिक किया ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए, एक तो यह मेथड था। दूसरा मेथड है कि इसको आपने पहले अनलॉक करना है, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ली, कंट्रोल आइसिस को रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स करने के बाद नॉर्मल यहाँ पे वाइल्ड लाइट विविड लाइट इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है यहाँ फिल्टर के अंदर अदर्स आई पास पे आपने क्लिक करना है, ये जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आपने वहाँ पे कर लें, ठीक है। क्या हो गया, इसको ओके किया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक नई लेयर जो है वो आ गई है, फिल्टर कलर ये डार्किंग कलर जो है इसको आपने ओके किया। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद इसमें आपको दोबारा हाई पास ब्लैक कर लिया,
और मैं जहाँ जहाँ पे भी ये क्लिक कर रहा हूँ ये खूबसूरती वो पता नहीं इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम करें ये यहाँ पर कैपेसिटी कम करने के बाद आप देखेंगे आसान सा मेथड था और अगर आपने कलर फेयर करना है तो यहाँ पे टॉस टूल देना है और इसको यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करनी है टॉस टूल लेके आप ऐसे इसका कलर जो है वो फेयर कर सकते हैं तो हम जल्दी लेना कर रहा हूँ अगर आप तो इसको जूम करके अच्छे से करेंगे ये ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहा पहले पिक्चर ऐसे थी और कितना फर्क पड़ गया सिर्फ कुछ भी नहीं 2 मिनट का काम था क्या ये भी सा मेथड तो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना ट्यूटोरियल इसमें जो है वो आप फेस साफ कर सकते हैं 2 इंतहाई आसान मेथड के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं तक